अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं हूं महर बुखारी एंड यू आर वाचिंग क्रॉस फायर। आज की अहम और बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर ये थी कि डायरेक्टर जनरल FIA वसीम अहमद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में वसीम अहमद साहब ने यह तस्लीम किया है कि उनकी वजह से रियासत के दो सतून यानी कि अदलिया और इंतजामिया टकराव की तरफ जा रहे थे और इसीलिए उनका चले ही जाना बेहतर है। वसीम अहमद साहब रहमान मलिक साहब को प्यारे थे, इसलिए जो है वो रिकॉर्ड अरसे तक हमने देखा कि CCPO कराची रहे और फिर वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को प्यारे हो गए और DG FIA जो है वो बना दिए गए। अभी उनकी जो है रिटायरमेंट में दो माह बाकी थे नाजरीन के, उनके ओहदे में तौसी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट मोतरज हुई और ये कहा कि एक आर्जी अफसर मेरिट पर तफ्तीश कैसे कर सकता है, ये सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए अफसरों की फरागत का हुक्म दे चुकी थी, लेकिन वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी वसीम अहमद के मामले पर अड़ गए। तौसी याफ्ता मुलाजमीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज बास बड़े लोगों के नजदीक इम्तियाजी है। चौधरी निसार साहब जो हैं इसी प्रोग्राम में आके ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा की भी तौसी को देखना चाहिए। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड वसीम अहमद ने अपने तौर पर कुर्बानी देकर अदालत और हुकूमत के टकराव के इम्कानात ख़त्म करने की कोशिश की है, मगर ये वसीम अहमद की खुशगुमानी ही है कि उनके चले जाने से रियासत के दो सतूनों का बाहमी टकराव रुक जाएगा, क्योंकि जब किसी ने टकरा जाने की थान रखी हो तो फिर किसी की भी कुर्बानी रंग नहीं लाया करती। हुकूमत अदलिया से टक्कर ना ले ये कैसे मुमकिन है? वसीम अहमद साहब ने टकराव का एक रास्ता रोका है तो हुकूमत ने शर्जील मेमन की सूरत में दूसरा दरवाजा चापड़चूर खोल दिया है। हम देख रहे हैं कि सैयद दीदार हुसैन शाह केस के फैसले के खिलाफ शर्जील मेमन की बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ नोटिस लिया तो जवाब में हुकूमत ने आज क्या किया कि उनको सिंध की वजारत इत्तलात और नशरियात का कलमदान थमा दिया और अब इसे हुकूमत की अदलिया के साथ टकरा जाने की ख्वाहिश ना कहिए तो फिर क्या कहिए? वसीम अहमद को हटाने पर अदलिया बज़िद क्यों थी और हुकूमत उनकी दीवानी क्यों? ये समझना कोई मसला पेशा गौरस नहीं। अनफॉर्चुनेटली सीधी सी बात है, इट्स वेरी सिंपल कि FIA वफाकी तहकीकाती एजेंसी है और हुकूमत के बड़े बड़ों पर बसा औकात लगे लिपटे और कभी खुले आम करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का एतराज भी कुछ यूं ही था नाजरीन के वसीम अहमद हज करप्शन स्कैंडल और NICL केस में गैर जानबदार और शफाफ तफ्तीश नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ कहा जाता है कि वजीर आजम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी DG FIA को हटाने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अपने आईनी इख्तियारात में मुदाखलत तसव्वुर करते थे और बकौल शख्स से वो ये भी कहते थे कि मुल्क किस तरह और कैसे चलाना है ये इख्तियार मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का है जो इसे आईन जो है आईन ने सौंपा है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मुल्क अच्छे और पाक दामन अफसरों से भी चलाया जा सकता है, इसमें तो कोई आईनी रुकावट नहीं, लेकिन क्या किया जाए? हुकूमतों को अहमदारों के बड़े ओहदों पर ऐसे अफसर दरकार होते हैं कि जिनका तर्ज फिक्र जी जनाब हाजिर जनाब वाला हो। वसीम अहमद तो अदलिया की आन और हुकूमत की शान पर कुर्बान हो गए, लेकिन DG FIA के ओहदे के लिए हुकूमत का अगला हुस्न इंतखाब है जनाब मलिक मोहम्मद इकबाल साहब। बड़े बड़े जानेदार सहाफ़ियों और इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टरों का ये कहना है नाजरीन के मलिक इकबाल को कुछ और करना आता हो या ना आता हो मगर नौकरी करनी आती है। आप गुज़िश्ता दिनों IG बलोचिस्तान की हैसियत में वज़ीर आला बलोचिस्तान की आंखों के तारे थे, आपको अक्सर महफिलों में वज़ीर आला बलोचिस्तान को खाने की प्लेटें पकड़ाते देखा जाता था। जनाब मलिक इकबाल को ये भी एजाज हासिल है कि वो वज़ीर आला और गवर्नर बलोचिस्तान के साथ सार कोर कमांडर क्वेटा की भी परछाई बने रहते थे। इलेक्शन 2002 के नतीजे के बाद मुस्लिम लीग काफी हुकूमत के क्याम से पहले चौधरी बरादरान के जहूर अलाही रोड वाले घर में मलिक इकबाल दाता दरबार के किसी जायर की तरह सुबह शाम हाजिरी दिया करते थे और परवेज मुशर्रफ के इनकलाब से पहले 1999 में वो शहबाज शरीफ साहब को प्यारे हुआ करते थे। ये भी रिकॉर्ड की बात है, ये इन्हीं का कमाल है कि वो अपने बॉसेस को वही कुछ दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं और वही कुछ सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। नाजरीन जो उनके बॉस की मर्जी और मंशा हो, कहा जाता है कि मलिक साहब वही करते हैं क्योंकि ये वही मलिक इकबाल हैं कि जो परवेज मुशर्रफ के दौर में वकला को मजा चकाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पर भी चढ़ दौड़े थे। हमें याद है इसकी फुटेजेस भी मौजूद थी। इनकी कमान में लाहौर पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाकर बाकायदा तौर पर शेलिंग की और बुकला को बेईमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बॉसेस को खुश रखने वाले मलिक इकबाल जैसे अफसरों का अलमिया ये होता है कि वो अवाम की खिदमत नहीं कर पाते,
شاید یہی وجہ ہے کہ ملک اقبال جہاں جہاں بھی تعینات رہے وہاں بڑے سانحات رونما ہوئے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ ملاحظہ کیجئے. وہ ڈی آئی جی گجرانوالا تھے تو سیالکوٹ جیل میں قیدیوں نے دورہ کرنے والے سول ججز کو یرغمال بنا لیا اور ملک اقبال نے سیالکوٹ پہنچ کر اندھا دھن آپریشن کرنے کا حکم دے دیا اور ہوا کیا کہ جج بازیاب ہونے کے بجائے آپریشن میں جاں بحق ہو گئے. ملک اقبال کو اس نااہلی پر مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. موصوف ڈی آئی جی ڈی جی خان بھی رہے تو وہاں پولیس حفاظت کے بغیر ماتمی جلوس پر خودکش حملہ کر دیا گیا. تب شہباز شریف صاحب نے ان کو فوری طور پر ہٹا دیا جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان کو ترقی دے کر آئی جی بلوچستان بنا ڈالا اور جولائی 2010 کے بعد سے بلوچستان میں حبیب جالب اور مولا بخش دشتی جیسے سیاستدان مارے جاتے رہے. پروفیسر اور ماتحت عدالتوں کے جج اغوا ہوتے رہے اور ہوتے رہے ہیں لیکن ملک اقبال کے اپنے باسز کے ساتھ تعلقات مثالی رہے ہیں ٹو ڈیٹ. اب ڈی جی ایف آئی اے کے عہدے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار جیسی خوبیوں والا افسر ملک اقبال سے بہتر اور کون ہو سکتا تھا؟ اسی پس منظر کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اور فیکٹس اور فگرز کے حوالے میں. ایک اور اہم شخصیت ہے جو اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئی ہے, یہ اندر کی اطلاعات ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ویسٹ انڈیز کی جانے جانے والی کرکٹ ٹیم کی نئی سلیکشن بھی ہو گئی ہے. اندر کی باتیں کیا ہیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. دیئر از لاٹس مور ٹو کم. کیپ واچنگ کراس فائر.